हाल फिलहाल में हिंदू लड़कियां ही क्यों शिकार बनती हैं? बोलते रहिए, आप ही बोलते रहिए। हिंदू लड़कियां नहीं शिकार हो रही हैं धर्म परिवर्तन का? हर तरफ दोनों लव जिहाद का शिकार नहीं हो रही हैं? दस उदाहरण दीजिए, पांच उदाहरण दीजिए, पांच उदाहरण दीजिए। तुम झूठ बोलते हो। क्या झूठ है? ये झूठ है और ये झूठ है और ये क्या है? सारे केस रजिस्टर है। अरे झूठ है, गुजरात से भी केस सामने आया। ये होता है, नहीं बर्दाश्त कर सकते आप, नहीं बर्दाश्त कर। चुप, बिल्कुल चुप। शिजान मुस्लिम है, इससे उनके माँ बाप को नहीं दिक्कत थी। तो फिर अब दिक्कत किस बात पर आ रही है? इसलिए धर्म परिवर्तन का दबाव जो उनकी माँ की बातों से जाहिर होता है, उनकी बातों की वो हिजाब पहना रहा था, इसलिए उन्हें दिक्कत हो रही थी। फिर वो पुरानी जो बात का मैं जवाब दे चुका, उसी को लौट करके आप क्यों अलग? देखिए इसलिए कि सर हाल फिलहाल में मैं आपको, देखिए मेरे पास, ये देखिए मेरे पास पूरा चिट्ठा पत्र है सर। हाल फिलहाल में हिंदू लड़कियां ही क्यों शिकार बनती हैं? बोलते रहिए, आप ही बोलते रहिए। ये चिट्ठा दिखाने की जरूरत किसको आ रही जो इनकार कर रहा? ये चिट्ठा दिखा करके इससे क्या क्या हिंदू लड़कियां नहीं शिकार हो रही हैं धर्म परिवर्तन का? हर तरफ दोनों लव जिहाद का शिकार नहीं हो रही? आप मुझे पांच उदाहरण दीजिए, आप मुझे पांच उदाहरण दीजिए। कादरी साहब आप पांच उदाहरण दीजिए। चलिए आप पांच उदाहरण दीजिए। काय के पांच उदाहरण चाहिए? जहाँ पर बताइए, जहाँ पर आप लोग शिकार बन गए हो। किसको? अक्सर जो जगह होता है। उदाहरण दीजिए ना सर, उधार के उदाहरण दीजिए ना, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अच्छा सुनिए, उदाहरण सुनिए। जुलाई 2022 सिमडेगा में नई मियां ने संदीप सिंह बनकर शादी की और उसके बाद पीड़ित लड़की की छोटी बहन से रेप किया, फरार हो गया। अगस्त 2022 नोएडा के चांद ने पिंटू, सुन लीजिए मैं 10 उदाहरण दूंगा, आप पांच दीजिएगा। नोएडा के चांद ने पिंटू पंडित बनकर जाल में फंसाया। अभी दुमका में शाहरुख ने अंकिता को जिंदा जला दिया। गरबा में आफ्ताब ने पुष्पेंद्र सिंह नाम बताकर शादी की। सीतापुर में मुस्लिम युवक ने अर्जुन नाम बताकर फंसा लिया, एक साल तक शोषण किया। इंदौर में शाहरुख ने राजू बनकर शादी की। राबिता को प्यार के जाल में फंसा कर शादी की, उसके बाद सामने आया। हिंगोली में मामला सामने आया। कुछ नहीं होता, ये सब 2022 क्या है? पांच उदाहरण दीजिए, आपको सच बताऊं। आप क्या बताओगे? दिल्ली का कैसा सच बोल नहीं सकते? दिल्ली का कैसा है? सच की हिम्मत नहीं आपके अंदर बोलने की। जहां पर मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से प्यार किया था, उसके भाई ने जाकर मार दिया हिंदू लड़के को। गलत है वो, गुजरात से भी केस सामने आया। ये होता है, नहीं बर्दाश्त कर सकते आप, नहीं बर्दाश्त कर सकते आप। केस रजिस्टर था, ये सब गलत है। केस रजिस्टर में बोला था, केस रजिस्टर है, आप मौजूद थे वहां कि कहां मौजूद थे? मर्डर केस रजिस्टर भाई, पुलिस में खबरों में है। असल में ऐसी हो जाता है। अच्छा ऐसी हो जाता है, ऐसी हो जाता है और क्या? अच्छा सब चीजें वो आती है। उदाहरण दीजिए ना, काय का उदाहरण दीजिए। मैं जिस डिबेट पर आया हूँ उसका मैं देख दे रहा हूँ, हर पहलू को ले रहे हैं, लेकिन आप बोलने नहीं देते उसको। अरे पहलू है सर, पहलू है सर, परिवर्तन नहीं है, पहलू है लव जिहाद। आप उदाहरण दीजिए ना, उड़ाते रहिए उसको। पुलिस जाएगी, सारी जो पुलिस के अंदर है, चेकअप होकर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम और आप काय के लिए कर रहे हैं? तो मौलाना साहब, आप ये कह रहे हैं कि लव जिहाद नहीं है? क्या आप ये कह रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेशन कर लिया आपने? किसको? आप किस कंक्लूजन में पहुंचे कि लव जिहाद नहीं हो सकता? आप ये बोलिए, सुनिए, आप एक मैच्योर आदमी है, आप एक धर्मग्रंथी है, आप धर्म का मतलब, आप में जितनी उत्तेजना आ रही है एक धार्मिक व्यक्ति के अंदर, इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो आप किस आधार पर इतनी बुरी तरह डिफेंड करके लव जिहाद हो ही नहीं सकता? तो ये जो डिफेंड करना है ना, इट शोज योर बायस कि आप बिल्कुल हर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते, कहीं छींटा भी ना पड़ जाए।